मेरे फैमिली में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, मैं 2 साल का था तो तब उनकी डेथ हो गई थी। और मदर मेरी जब मैं 11th में पढ़ता था उनकी डेथ हो गई थी। और बाकी ब्रदर्स हैं बड़े हैं सभी, मैं सबसे छोटा। तो मतलब जब मेरे पापा की डेथ हुई है मेरे को याद नहीं है कि मतलब मेरे को ऐसे मतलब बताया करते थे, मैं 2 साल का हाँ, एक 2 बच्चा साल का कितना सा कहाँ याद था। रहता है। तो बस उसके बाद हमारे बड़े ब्रदर्स हैं तो उन्होंने हमें पढ़ाया 10th तक, हॉस्टल में रहते थे। तो बाकी दिन को कॉलेज और रात को वेटरी करने चले जाते थे। अच्छा, आप और मतलब वेटरी भी करते थे वहाँ यस, पे, तो क्योंकि आप बहुत देखो अच्छे। हॉस्टल की मेस का एक्सपेंसिव देना पड़ता था और अपनी भी आपको पता है कॉलेज में बड़ी ज़रूरतें रहती हैं। और वहाँ से मैंने 100 किलोमीटर हारमोनियम अपने कंधे पे उठा के लाटी लिया था। 100 किलोमीटर सौ दूर चल किलोमीटर के पैदल। पैदल पैदल गए थे हम। अभी मैं एक गाना अपनी माँ के लिए डेडिकेट करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये है कि मुझे मैं मेरा एक ये भी रहा कि कॉलेज टाइम में मैं एक एक साल तक घर नहीं जाता था। और उसके पीछे रीज़न क्या था कि एक एक बच्चे का सपना होता है जब वो घर से बाहर होता है तो उसका एक रहता है कि वो घर जाएगा अपने माँ बाप से मिलेगा। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं घर में जाऊँगा, किसको मिलूँगा, कैसे मिलूँगा। तो इस वजह से मैं नहीं जाता था घर पे। अब ये सारा भारत ही, सारी दुनिया ही आपकी अपनी फैमिली है, क्योंकि आप तो पब्लिक में आ ही गए हो, इतनी अच्छी जी सिंगिंग करते हो, जी तो समझो कि सब आपके अपने ही हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो चलो, मैं अपनी माँ के लिए और आप सबकी माँ के लिए एक ये गाना डेडिकेट करूँगा। जय सूरज दी किरणा नाल ठंड पै जावे, ते ठंडिया छावा बनिया रावानू कौन पूछे, जे चिड़िया दे वनसने ते फिर कावानू कौन पूछे, जे मासिया बन जावन मावा ते फिर मावानू कौन पूछे। हे जद माँ मेरी मेथों दूर हुई, मेरी रूह सी चूरों चूर हुई, हे ना प्यार मिले माँ वरगा, हे ना प्यार मिले माँ वरगा, हे ठंडिया चामा हुंदिया ने, हे लख होवन चाचिया ताइया ते मामा मामा हुंदिया ने, हे लख होवन चाचिया ताइया ते मामा मामा हुंदिया ने। वेलो को ऐनिया गुड़िया ठंडिया छावा जगते लभदिया नी, टुर जावन इक बार ते मामा लभदिया नी, ओ टुर जावन इक बार ते मावा लभदियां नहीं। ये गाना मेरी माँ के लिए स्पेशल डेडिकेट कर रहा हूँ वाह, मैं। बहुत 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 अच्छा। और आपके मम्मी पापा जहाँ पे भी अभी होंगे, आत्मा तो अमर रहती है ना, जी तो वो जरूर आपके लिए बहुत 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 प्राउड फील करते होंगे। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मैं हूँ क्रांति राजपूत और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिशन दास जी, जो कि लाठी से हैं और वो बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। आज उनकी उनकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, और उनसे बहुत सारे सॉन्ग सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे ऑफ कोर्स। तो बिशन दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक कैसे यू हैं जी। आप? बढ़िया जी, आप बताओ। बस ठीक। बिशन दास जी, अपने बारे में बताएं कुछ। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। मेरा नाम बिशन दास है, मैं बेसिकली लाठी का रहने वाला हूँ और रिसेंटली मैं उधमपुर में रहता हूँ।
लाठी कहाँ पे है उस, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसलिए पूछ रही हूँ, अपने गांव के बारे में बताएं। ये लाठी उधमपुर से मैक्सिमम 100 किलोमीटर की दूर पर है, और मेरा गांव भी लाठी तहसील में पड़ता है, थोड़ा दूर पड़ता है, रोड से 2-3 किलोमीटर पैदल गाड़ी जाती है रास्ता। आपके गांव नहीं में? नहीं मेरे गांव में नहीं जाती है, 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, तो आप गायकी करते हैं उसके साथ और क्या क्या करते हैं? अभी तो रिसेंटली मैं एज ए म्यूजिक टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में, और मैक्सिमम तो मैं इसी में इसी रहते में हो? रहता हूँ, तो बाकी मेरा पार्ट टाइम है, फुल टाइम मेरा म्यूजिक है। फुल टाइम म्यूजिक है। रिसेंटली इनका एक गाना जो इन्होंने गाया, टप्पे गाए, वो वायरल हुए हमारे यहाँ पे और बहुत लोगों ने इन्हें प्यार दिया। और कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? मैक्सिमम हाँ 4-5 साल हो गए 5 साल हो मुझे। गए। तो इसी पे आप एक हमें गाना सुना दीजिए अपना, जो वन ऑफ द फेवरेट। चलो मैं अभी अपना गाना सुनाऊंगा आपको, कोई कॉपी रद्द की थी। कोई कापी रद्द की दुई सजना भी हद की थी। एक कोई कापी रद्द की थी ओ एक ते गरीबी ये दुई सजना भी हद की थी। ओ पानी बरखा दा नहीं रुकना ओ जिंद साडी मुक जानी ए गम सजना दा नहीं मुकना। ए कोई बूटे फुल्ला दे ओ हाथ बड़े नाजुक ने हे मेरे ढोल मशूमा दे। ए शक सजना ते नहीं खाना ओ सुखी बस तू सजना असी दुनिया तो टुर जाना। ओ लंबे कोठे ते टीन पिया हो पवे बन सोने दी ना तेरे ते यकीन रिया। ये वाह सब था मेरा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा गाना है इनका ये। तो आपने जब ये अपना एल्बम रिलीज किया तो जी कैसा रिस्पॉन्स रहा? हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, बट ये कि जहाँ तक पहुँचा तो वहाँ से जितनी ब्लेसिंग मिली अच्छी ही मिली। क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ये सॉन्ग अच्छे, मतलब वायरल होना चाहिए? हर कोई वैसे तो यही चाहता है, पर उस तरीके का रिस्पॉन्स मिला जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा गाना है और इसको बहुत प्यार मिलना चाहिए। और वैसा प्यार मिला आपको? नहीं देखो जिंदगी में इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, तो हमने जब बनाया था तो सोचा था कि ज़्यादा होगा, बट उतना नहीं हुआ जितना हमने सोचा था, तो उतना नहीं हुआ, तो चलो अब हम कोशिश में लगे हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाइए बिशन दास फोक जी म्यूजिक यस चैनल पे और इस सॉन्ग को सुनिए, ये बहुत अच्छा गाना है, अभी आपने सुना ही है तो इसकी वीडियो भी देखिए जरूर। तो बिशन दास जी, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं। मेरे फैमिली में मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, मैं 2 साल का था तो तब उनकी डेथ हो गई थी, और मदर मेरी जब मैं 11th में पढ़ता था उनकी डेथ हो गई थी, और बाकी ब्रदर्स हैं बड़े, असल में सबसे छोटा हूँ, और बाकी मुझसे जो सिस्टर्स ब्रदर्स हैं सबकी मैरिज हो गई है, और अभी मैं ही हूँ अकेला। अकेले आप ही जी रहे हो, तो काफी स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में बचपन से ही देखा है। हाँ, हम देखो 10th तक, क्योंकि मैं 2 साल का था तब, तो मैंने आई स्कूल भी मेरे को नहीं छोड़ा था आई थिंक, तो मतलब जब मेरे पापा की डेथ हुई है मेरे को याद नहीं है कि मतलब मेरे को ऐसे मतलब बताया करते थे, मैं 2 साल का हाँ, एक दो बच्चा साल का कितना कहाँ सा याद था। रहता है। तो बस उसके बाद हमारे बड़े ब्रदर्स हैं तो उन्होंने हमें पढ़ाया 10th तक, तो उन्होंने फिर हमें खुद पता चला, और रिसेंटली क्या होगा कि ये अब तो मतलब इनके एग्ज़ाम जो है विंटर वेकेशन वालों के, पहले विंटर में ही हो जाते थे, तो अभी ये थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ पिछले 3-4 साल 5 साल से। उसके बाद क्या हुआ कि 10th में हमारे एग्ज़ाम हुए, शायद मार्च अप्रैल में हुए, तो उसके बाद हमारे एक गांव में देख ठेकेदार जी ने काम लिया था अपने गांव के थे, तो उन्होंने बोला कि चलो काम शाम करते हैं कुछ, तो अभी हमने भी एग्ज़ाम दी थी फ्री थे, अब एडमिशन का वेट था,
तो हमने एक हमारे मान जिसको बोलते हैं डोगरी में, आप शायद समझते हैं कि नहीं, पर वहाँ पे जो ये जंगल लगता है तो वहाँ पे मतलब इनकी जो लकड़ी काट के तो इसको मतलब नदी में रोड़ाते हैं। तो वहाँ पे मैंने कोई 50 दिन लगाए। अच्छा तो उसके बाद जैसे काम ख़त्म हुआ तो हमारा रिजल्ट भी आ गया, तो मैं 10th में पास हो गया। तो अच्छा उसके बाद बस तब मेरी मम्मा की डेथ नहीं हुई थी, तो उसके बाद मैंने 11th में एडमिशन मतलब आपने लिया। 10th के बाद ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दी अपने जी आप को, जी अपनी जी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, नहीं एक्चुअली फैमिली को तो खुद सपोर्ट के लिए। मैंने फैमिली को सपोर्ट नहीं किया, बट खुद के लिए बहुत तो वो किया। एक वही बात हो जाती है कि जी मतलब घर वालों से नहीं आप खर्चा ले रहे हो, जी अपना खर्चा खुद हाँ निकाल बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल मतलब तब से इतना हार्ड जी। वर्क। तो उसके बाद फिर मैंने 11th में एडमिशन ली, तो वो अपने पैसे की ही सारा मतलब यूनिफॉर्म, क्या अपनी बात ड्रेस की है। सारा कुछ, बैग वर्दी किताब और सब कुछ अपना किया। और वो मेरा 11th और 12th में वहीं से एक्सपेंसिव किया मैंने, जो 50 दिन लगाए थे। उसके बाद कॉलेज में आया तो मुझे 4-5 हज़ार बचा था, वो भी मैंने कॉलेज में किया। और जब वहाँ से मैंने 12th मतलब की, पढ़ने का भी इतना शौक और साथ साथ में सीख भी रहे हो जी गायकी ये सब, जी, वाह। तो उसके बाद हम कॉलेज में आ गए। तो उस समय तो मैं पहले गाता नहीं था, मतलब वहाँ पे गाना क्या आपको पता, बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे मतलब इतनी नॉलेज नहीं है म्यूज़िक की कि ये चीज़ क्या है। तो एक्चुअली मेरे फादर साहब जो थे वो भी एक गायक थे, वो भी गाते थे, रेडियो स्टेशन में उन्होंने 2-3 साल काम किया है। तो मैंने उनको सुना नहीं ऐसे, मुझे मौका नहीं मिला उनको सुनने का क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी जल्दी। तो बट मैं रेडियो स्टेशन में, उनके रेडियो में अभी भी गाने आते हैं, तो अच्छा मैंने हाँ वहाँ से सुने हैं। तो मेरा एक ये सपना था कि हमारे जो मेरे भाई हैं बाकी, तो उन्होंने मतलब इस फील्ड में नहीं किया, क्योंकि आप देखो इस घर की जिम्मेदारी जो होती जब है। जिम्मेदारियां जी सर पे आ जाती हैं तो फिर सपने जो होते हैं वो कहाँ, अपने सपने हाँ भूल जाता है जी। इंसान। तो फिर उन्होंने भी हमें 10th तक पढ़ाया। फिर हर बंदे का अपना सपना होता है, अपनी फैमिली होती है उसको देखता है। तो फिर हमें पता था कि चलो अब है नहीं माँ बाप, तो जो करना है तो खुद ही करना है। तो फिर उसके बाद मुझे था माइंड में कि अपने एक अपने खानदान की विरासत को आगे लेके जाना है। तो मेरे फादर साहब गाते थे, ऐसा मैंने बोलते थे आपकी जी मम्मा, बोलते थे आपको कि आप सिंगिंग में जाओ या कुछ और बनो, गवर्नमेंट जॉब करो। नहीं एक्चुअली उनको देखो अब एक गांव का जो रहता है ना, तो मतलब वहाँ पे चलो बैग उठाओ स्कूल चले जाओ वापस आ जाओ, बस इतना ही रहता है। क्योंकि वहाँ पे ना एक वो नहीं होता है, अगर ये चीज़ गांव में हो कि बंदा किस प्रोफेशन में जाना चाहता है उसको उसी तरह की एजुकेशन मिले, वाह तो वो बहुत बढ़िया रहता है। बट वहाँ पे होता है कि एक आर्ट्स पढ़ के बाद में मेडिकल की ट्रेनिंग करने के और कहीं मतलब मतलब बस जाके रोजी अच्छा, रोटी लग हाँ रोजी जाए रोटी लग उतना जाए ही बस बहुत बस। है। तो मतलब उनका कहना नहीं था, मैंने खुद बीए में म्यूज़िक नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ऐसे, मैंने बाहर से सीखा है बट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। तो कॉलेज में जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पे भी चलो हम हॉस्टल में रहते थे, तो बाकी दिन को कॉलेज और रात को वेटरी करने चले जाते थे। अच्छा आप और मतलब वेटरी भी करते थे वहां यस, पे, तो क्योंकि आप बहुत अच्छे। देखो हॉस्टल की मेस का एक्सपेंसिव देना पड़ता था, और अपनी भी आपको पता कॉलेज में बड़ी ज़रूरतें रहती हैं, अपने कॉलेज का एक्सपेंसिव स्कूल सारा कुछ। किताबें तो लेना, जी नोट्स लेना, और अपना खर्चा बहुत होता जी है। तो एक साल तो हमारा ये सिलसिला चलता रहा। और जब से हमने अपने गाने का सिस्टम शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे नहीं, एक कॉलेज में जब आप थे तब तक कुछ आपका म्यूजिक के साथ लेना देना कुछ नहीं लेना था, देना, तब क्या सोचा था कि क्या नहीं उससे करूंगा? पहले हम कहीं गांव में छोटे मोटे जागरण होते थे ढोल की चिमटे पे, तो हम ऐसे सोचते थे कि हमें भी काश मौका मिले, तो ऐसे बीते बीते सुबह बीत जाती, मौका नहीं मिलता मौका नहीं था। मिलता क्योंकि हमें कोई सुनता कौन, और हमें ऐसे डर भी लगता था कि कैसे गाएंगे। हाँ और एक बार एक मंदिर है हमारे शबरी माता, हाँ तो उसका भजन भी है, अगर आप चैनल पे विजिट करोगे तो मेरी सबसे अच्छी और आज तक जो पॉपुलर वीडियो है वही भजन है मेरा। तो उस मंदिर में जागरण था एक, तो मैं गया वहाँ पे, तो सिफारिश डलवाई किसी से कि मैं यहाँ पे गाऊँ। बट वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को मौका मिला सुबह, तो मतलब मैंने गाया, फिर मैंने ऐसे डिमोटिवेट हुआ क्योंकि नहीं गा पाया, अच्छा सीखता नहीं था तब। और वैसे ही करके ऐसे मतलब हमारा था मन के हम भी कुछ इस फील्ड में करें, पर स्कोप नहीं था। जब हम कॉलेज में आए तो हमने भी दुनिया देखी कि हाँ यहाँ पे भी कुछ होता है। और उसके बाद बस हमने मैंने आई थिंक हाँ 19 में अगस्त में हारमोनियम परचेज किया। तो दूसरे दिन सर के पास, यश सर जी हमारे गुरु जी हैं, और उसके बाद हमने सूर्य सर जी के पास भी सीखा।
पहले जो हमें थोड़ा बहुत सिखाया था वो यश सर जी ने सिखाया, तो उनके पास हमने म्यूज़िक की तालीम लेना स्टार्ट कर दी। तो रिसेंटली 2-3-4 मंथ हुए क्लास अटेंड करते, तो लॉकडाउन लग गया। तो अच्छा फिर हमने थोड़े दिन रुके हम कॉलेज में हॉस्टल में, तो फिर हमें भी वार्डन साहब ने एक लेटर दे दिया कि आप 28 तारीख को हॉस्टल खाली कर दो, क्योंकि अब लॉकडाउन की आदेश आ गया है। हाँ वो तो तो टाइम ही फिर ऐसा था। हमने 2-3 दिन ऐसे बाहर रूम पे गुजारे, फिर और ही ज़्यादा इसका माहौल बिगड़ता गया, तो हमने सोचा। और उसके बाद एक मेरा जो हारमोनियम से इतना लगाव हो गया मुझे म्यूज़िक के साथ, बहुत ज़्यादा लगाव हो गया कि उसके बाद मैंने यहाँ से फिर हमें लाटी जाना था, लेकिन कैसे जाना था कोई स्कोप नहीं था, गाड़ी का सारा कुछ बंद था और ऐसे भी बाहर नहीं निकलने देते थे। तो हमने क्या किया, मैंने सुबह भाई से रिक्वेस्ट की कि हम चलते हैं, पैदल ही चलते हैं। गाँव हाँ, तो फिर हमने यहाँ से क्या किया, पैदल मूव करना स्टार्ट किया। और मेरे पास और भी बहुत सामान था, लेकिन हारमोनियम को यहाँ पे छोड़ने का मन नहीं था। अच्छा तो मैंने अपनी मतलब 15-18 kg बुक्स, अपने कपड़े शपड़े, 2 बैग, वो एक हारमोनियम, तो भाई जी फकर ने कहा कि ये नहीं लेना साथ में इतनी दूर। तो मैंने बोला भाई साहब आप रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मतलब डांटो मत, मैं उठा लूँगा, आपको नहीं दूंगा। और वहाँ से मैंने 100 किलोमीटर हारमोनियम अपने कंधे पे उठा के लाटी लिया था, 100 किलोमीटर सौ दूर चल किलोमीटर के पैदल, पैदल पैदल गए थे हम। क्या बात है, मतलब सीरियसली। तो अब वो दिन क्या थे, फिर धीरे धीरे वैसे म्यूजिक में बढ़ते गए बढ़ते गए। उसके बाद एक शबरी माता का हमने पहली एल्बम की, तो उस एल्बम से भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो बस वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी जर्नी स्टार्ट हो गई। म्यूजिक। हाँ तो अब आप इसमें शो भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, बताएं। तो हाँ, अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों को, क्योंकि कभी अगर जब हम ऑर्केस्ट्रा की बात करें, शादियों में जो भी प्रोग्राम करते हैं, तो मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितने भी गाएंगे और लोगों को सेटिस्फाई कर देते हैं, अभी जो भी फरमाइश आई गा दी, तो लोग बहुत सच ज़्यादा प्यार में करते हैं, बहुत ज़्यादा हमने पसंद करते सुना हैं है उनको। इनको, ये बहुत अच्छा गाते हैं और इतनी लाजवाब इनकी आवाज़ है। पर्सनली सीरियसली मेरे तो ये फेवरेट हैं और बहुत अलग आवाज़ है। बहुत काम किया है इन्होंने अपने गानों पे और बहुत अच्छा गाते हैं, और जो भी इनको फरमाइश दी जाए उस पे बिल्कुल खरे उतरते हैं ये। तो आप एक और गाना सुना दीजिए, क्योंकि मन करता है कि आपके गाने सुनते रहे हम। ओ पानी चक्की आंदा थल्ला हो ठंडा नीर बगदा, हो गोरिए गल्ला नी गलाया हो सीने तीर लगदा, ओ सारे होई बदनामी हो तुकी नहीं हो लबदा, एक कुथै रखा तेरा रेशमी रुमाल, कुथै रखा तेरा दिलड़िए, ओ खिसे रखा तेरा रेशमी रुमाल, दिले लमा तेरा दिल अड़िए, हे तू मुइये मैले दी रानी, आ मुइये जंगलें दा राजा, हे तू मुइये पैसे मंग दी, मैं मुइये अपना गुजारा, हे आग बल दी ते धुआं चलदा, दिल जानिया वे रोग लगदा, हुन आया बुढ़ा पावे गोरिए जोर जवानी दी, इस सुख कदे ना किताबे गोरिए दिन दिन विवता पी दी, एक खड बगदी ते पानी खोला, दिल जानिया वे आया तोला। क्या बात है, बिग क्लैप फॉर यू। बहुत अच्छा गाते हैं आप, और क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है सच में आपकी तारीफ़ के लिए। तो आप मुझे बताएं, आज तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मतलब किसी ने आपकी तारीफ़ में बोला हो, वो आपके लिए जो तारीफ़ आज तक की रही है वो बताएं, जो आपके दिल को छू गई हो। मैम अभी मैंने फर्स्ट टाइम जब एल्बम की थी, तो मतलब एक अननोन अननोन भाई थे मेरे, तो उन्होंने मेरे को फेसबुक पे लाइव देखा था, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के मेरे को कॉल करी
और मेरे को बोला कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला स्टूडेंट हूँ। जब मैंने फर्स्ट एल्बम की थी तो आपको पता है एक स्टूडेंट और ऊपर से हम मतलब अपनी सर पे पढ़ रहे हैं और एक ऊपर से एल्बम निकालने के लिए कहाँ, मतलब मैंने इतना सोच भी नहीं स्ट्रगल, खुद ही सकता। मेहनत कर रहे तो हो। उस टाइम उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप एक काम करो, मेरा वेडिंग का काम है। मतलब जिन भाई ने मेरे को फ़ोन किया वो संजय मलकान जी, और आज काफ़ी अच्छा वो मतलब अपना उनका वर्क है। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया फर्स्ट टाइम। उन्होंने बोला कि ऑडियो का आप कर लो, वीडियो का मैं देख लूँगा। तो मेरे अंदर भी एक जुनून पैदा हो गया कि चलो एक तो मौका मिल रहा है। तो वहाँ पे मैंने जब वो एल्बम की तो वहाँ उस पे मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने मेरे को मेरे अकाउंट में मतलब अपनी ब्लेसिंग के लिए, उनको इतना अच्छा वो भजन लगा, उन्होंने मतलब मेरे अकाउंट में किसी ने 500 रुपया डाला, किसी ने वाह क्या 1,000 डाला, मतलब स्पेशल कॉल्स बात करके। है। बट मैं उनको नहीं बोलता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट वो बोलते कि ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारी ये मतलब हम अपने दिल से कर रहे हैं, हमें अच्छा लगा हम इसलिए करते हैं। क्या बात है, सीरियसली, ये संजय मलकान जैसे लोग जब तक इस दुनिया में है तब तक बहुत से ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी जो बहुत टैलेंटेड हैं, और उनको सपोर्ट मतलब फैमिली या पेरेंट्स नहीं है तो खुद को खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं। और संजय मलकान जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपको इतना मोटिवेट किया और आपकी जो फर्स्ट एल्बम आई, और तब से आपकी जर्नी हाँ आपकी जी, लगातार उन्होंने बढ़ती उन्होंने रही। उन्होंने मेरे काफ़ी सारे मतलब इस फील्ड में मेरे को लाने का उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा क्योंकि मैं एक आपको पता कि एक मतलब कितना खर्चा होता है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान है कि उन्होंने मतलब मेरे को एक गाने में नहीं, तीन चार गाने में बड़ी ज़्यादा सपोर्ट करी है, बड़ी वाह ज़्यादा सपोर्ट करी है। और मतलब इस फील्ड में आज मैं मतलब अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ मिलता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिल रहा हूँ, तो वो सारा क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वरना सपने भी इंसान बहुत सोच समझ के देखता है कि जी कैसे, मतलब कितना पैसा लगता है इस इंडस्ट्री जी में जी आगे बढ़ने के लिए, जी और एल्बम निकालने के लिए बहुत पैसा लगता है, और वो संजय मलकान जी ने आपको मदद की। जब जी आप में इतना टैलेंट है बहुत लोग आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। और कोई अपना ऐसा कॉलेज टाइम का कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहो, कॉलेज टाइम में दोस्तों का क्या रवैया आपके साथ रहता था? दोस्तों मेरे मतलब मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, अभी वो आर्मी में है, केवल जी उनका नाम है। और हम हॉस्टल में पढ़ते थे, वो बॉटल लेते थे ना, खाली बॉटल, और जब सुबह नहाने जाना तो वॉशरूम में जाके गाते थे, और वहाँ पे जाके बॉटल पे वो मतलब ढोलकी बजाते और मैं गाता। तो मतलब अच्छा हम ऐसे अपना सोचते हमारा कितना अच्छा बैंड बन गया, मतलब एक मतलब फील करते थे हमारा भी अच्छा बैंड बन गया। और तब हमारे हॉस्टल में जो बच्चे थे तो मैं हारमोनियम पे गाता था, मेरे को मतलब बोलते थे यार आवाज़ कम की अगर हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और जब हॉस्टल से मैं कहीं प्रोग्राम करने जाता, सत्संग करने जाता, तो शाम को जो पैसे मिलते मैं उन लड़कों को ही बोलता इकट्ठे करो। तो एक बार मैंने ऐसा किया और उसके बाद उनने मेरे को नहीं बोला, मेरे को बोलते यार तू तो बड़ा कमा रहा है। मतलब आप एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता और वो अभी 2-3 घंटे में अगर 2-3 हज़ार कमा के लाएगा, तो मतलब सडनली उनको फील हो गई यार ये क्या कर क्या रहा है। बात और है, उसके बाद उन्होंने मेरे को मना नहीं किया कि तू छोड़ मत, बोलते तू कर रियाज अच्छे से कर। वाह गुड। तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब आपको बहुत सारे लोग अब प्यार करते हैं, अब लोग आपको जानने लगे हैं, और जैसे कि आप इतने हार्ड वर्किंग हैं, आफ्टर 10th क्या ही उम्र होती है, तो 15 साल, 15 14 15 16 साल उम्र रही होगी आपकी, और तब से आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो क्या आप लोगों को कहना चाहोगे? बहुत सारे लोगों को तो सपोर्ट होती है फैमिली की, फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होती, फैमिली की बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं तो अभी अपने आप को कहूंगा कि मैं खुद स्ट्रगलर हूं, बट जिस मुकाम पे आज मैं पहुंचा हूं तो मैं ये कहता हूं कि इंसान का जो सपना है और इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए। एक हमारे कहावत है ना कि गर्मी ना जून में होती है और ना ऊन में होती है, गर्मी होती है बंदे के जुनून में। अगर बंदे के अंदर जुनून है तो वो मतलब उसको अपना एक सपना है तो उसको बस वही दिखाई देना चाहिए मुझे करना क्या है। जब उसको पता है कि मुझे ये करना है तो उसके लिए कहाँ से करना है कैसे करना है वो फिर खुद बंदा फाइंड कर लेता, बट पता होना चाहिए, दिशा पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। तो मतलब मेरा कहना यही है कि जिस बंदे के पास भी टैलेंट है, जो भी टैलेंट है, जब तक वो अपने आप से खुद कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहाने लगाते हैं कि हाँ जी मेरा ये वजह थी, इस वजह से मैं आगे नहीं जा पाया, ये वजह है। क्योंकि मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं, हम तो हमारे हाथ पांव हैं जिनके हाथ पांव नहीं है। अभी एक किश्तवाड़ से लड़की शीतल है देवी, शीतल जी, उन्होंने मतलब एक आर्चरी में अर्जुन अवार्ड जीता, तो मतलब उनके हाथ भी नहीं है, तो कोई सोच सकता है कि अर्जुन अवार्ड मतलब आर्चरी में जिसके हाथ नहीं है तो वो जीत सकता है।
मगर एक जुनून हो बंदे के अंदर तो बड़े से बड़ा काम हो जाता है, बस खुद पे विश्वास होना चाहिए और करने की शक्ति होना चाहिए। क्या बात है विशन जी, आप बहुत आगे जाएंगे, दिल से कह रही हूँ सच में। जिस तरह से आपके अंदर मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी होने के साथ साथ जिस तरीके से ये गाते हैं, वाह, ऐसा लगता है कि मतलब एक इंसान खो ही जाता है इनकी आवाज़ में, और ये खुद खोए होते हैं सिंगिंग में। तो विशन जी, मन तो करता है आपके गाने सुनते रहे, तो इसलिए आप एक और गाना सुना दीजिए, क्योंकि अभी मैं एक गाना अपनी माँ के लिए डेडिकेट करूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये है कि मुझे मेरा एक ये भी रहा कि कॉलेज टाइम में मैं एक एक साल तक घर नहीं जाता था, और उसके पीछे रीज़न क्या था कि एक एक बच्चे का सपना होता है, जब वो घर से बाहर होता है तो उसका एक रहता है कि वो घर जाएगा, अपने माँ बाप से मिलेगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं घर में जाऊँगा, किसको मिलूँगा, कैसे मिलूँगा, तो इस वजह से मैं नहीं जाता था घर पर। अब ये सारा भारत ही, सारी दुनिया ही आपकी अपनी फैमिली है, क्योंकि आप तो पब्लिक में आ ही गए हो, इतनी अच्छी जी सिंगिंग करते हो, जी तो समझो कि सब आपके अपने ही हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो चलो मैं अपनी माँ के लिए और आप सबकी माँ के लिए एक ये गाना डेडिकेट करूँगा। जय सूरज दी किरणा नाल ठंड पै जावे, ठंडियां छावा हवा में उड़ के जावे, ते बनिया रावानू कौन पूछे, जे चिड़िया दे बनसने ते फिर कावानू कौन पूछे, जे मासियां बन जावन मावा ते फिर मावानू कौन पूछे। हे जद माँ मेरी मेथों दूर हुई, मेरी रूसी चूरों चूर हुई, हे ना प्यार मिले माँ वरगा, हे ना प्यार मिले माँ वरगा, हे ठंडियां चामा हुंदियां ने, हे लख होवन चाचियां ताइयां ते मामा मामा हुंदियां ने, हे लख होवन चाचियां ताइयां ते मामा मामा हुंदियां ने, वेलो को एनियां गुड़ियां ठंडियां छावां जगते लभदियां नी, टुर जावन इक बार ते मामा लभदियां नी, ओ टुर जावन इक बार ते मावा लभदियां नहीं। ये गाना मेरे माँ के लिए स्पेशल डेडिकेट कर रहा हूँ वाह, मैं। बहुत 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 अच्छा। और आपके मम्मी पापा जहाँ पे भी अभी होंगे, आत्मा तो अमर रहती है ना, जी तो वो ज़रूर आपके लिए बहुत 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 प्राउड फील करते होंगे, और साथ में पूरा देश आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है कि एक छोटे से गांव का लड़का लीजेंडरी, मैं सच में इनको लीजेंड ही समझूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है। अच्छा गाने के साथ साथ आप बहुत हार्ड वर्किंग है, और आप मेरे फेवरेट हैं, सच में जी आप मेरे फेवरेट हैं। मैं मतलब अभी जो रिसेंटली आपका वायरल हुआ सॉन्ग, तो मैंने तब से ही आपको जाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है हम लोगों में, कि जो हमारा लोकल टैलेंट होता है उसको हम सपोर्ट उतना नहीं करते। पहले भी काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो इसमें, तो हम तक पहुंचे ही नहीं कभी, जब कोई चीज़ वायरल होती है तभी पहुंचती है ना, तो हम तक पहुंची नहीं कभी, इनकी आवाज़ इनके जो सॉन्ग्स हैं हम तक पहुंचे ही नहीं। अभी जो वायरल हुआ, तब मैंने इनको सुना, इनकी पूरी प्रोफाइल देखी, तो मुझे पता लगा आपकी तो, आपका मतलब एक होता है ना तेज, आपका तेज ही इतना है, सच बता रही हूँ, आपको देख के ही लगता है जिस तरह से, जिस स्टाइल में, अंदाज में आप गाते हो, तो लगता है कि आप सच में एक बहुत महान कलाकार, जिसको बोलते हैं ना आप, वो हो। तो आप इसी तरीके से बहुत तरक्की करो ज़िंदगी में, बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुश रहो, और गाने के साथ साथ आप कुछ और भी बताएं, क्योंकि हम गाने तो सुन ही रहे हैं जी आपसे, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो लोग हैं आपसे बहुत कुछ सीखें भी। और मैंने वीडियो वायरल का बात करी तो मैं इसके बारे में बात करूंगा आपसे। तो रिसेंटली एक मेरा राइटर है जो जिसने ये कोई कापी और एक भजन किया था मैंने राम जी का, वो लिखा था। तो एक हमारे पास एक प्रोजेक्ट
पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं सर, तो वो मेरे पास आते रहते हैं, चलो हमसे खाना क्या हमने, चलो प्रैक्टिस मान लो आप, तो वो आते रहते हैं। तो सुबह आए थे तो उन्होंने बोला कि यार आपको ऐसा करना चाहिए कि मीडिया को, मीडिया के पास जाना चाहिए, थोड़ा मतलब बंदे को मिलती है सपोर्ट। तो मैंने बोला यार किसके पास जाना है, तो उन्होंने बोला चलो मैं एक कॉल करके देखता हूँ। तो उन्होंने एक मीडिया वाले को कॉल करी, तो उन्होंने बोला है, मतलब उन्होंने अपनी डोगरी में हेलो जी जय श्री राम, तो बोलता है बोल बोल क्या बात है। तो उन्होंने भैया एक इंटरव्यू करना था, किस चीज़ का करना इंटरव्यू है यार, ऐसे कोई म्यूज़िक था। उन्होंने बोला कि चलो हम म्यूज़िक रिलेटेड नहीं करते हैं कुछ भी, अगर आपने करवाने तो इसके 3,000 दे दो हमें, तो फिर हम एक्स्ट्रा अर्न है। मैंने उनको बोला कि छोड़ो आप, फिर जो हमारे पास आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर, उन्होंने बोला यार मेरा एक दोस्त है मैं उसको फ़ोन करता। तो उन्होंने किया फ़ोन, तो ये दो लोग ही मैं थैंक्स करूँगा, इन्होंने ये वीडियो जो आज आपके साथ मेरा मिलजुलन हुआ तो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ। ये उधमपुर अपडेट और दैनिक स्टेट समाचार, इनका थैंक्स करता हूँ इन्हीं की वजह से। और उस मतलब वीडियो की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला मुझे, हमारे जम्मू से तो मिला ही लेकिन बाहर से मिला, मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आए। और उसके बाद तो आशीष सर ने भी मेरा इंटरव्यू किया, तो मतलब वहाँ तक भी मैं पहुँचा उनकी ही वजह से पहुँचा। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ रखते हो ज़िंदगी में, कुछ आगे बढ़ने की सोचते हो, तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हो। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता हाँ है शेयर करने का, सपोर्ट करने का। तो आप लोग इसी तरह तरीके से ऐसे हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें सपोर्ट करें। तो राम भजन की बात हुई तो राम भजन सुना दो आप। हाँ चलो जी आपकी नजर करेंगे। ओ चलो चलिए अयोध्या धाम, ओ चलो चलिए अयोध्या धाम, स्वागत करना है मेरे आएंगे प्रभु श्री राम। हे स्वागत करना है मेरे आएंगे प्रभु श्री राम, हम खुशियाँ मनाएंगे, हम खुशियाँ मनाएंगे, सदियों से ढूंढ रहे प्रभु राम कब आएंगे। बिशन जी, जैसे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आपकी आवाज़ इतनी अच्छी कैसे है? ये बॉर्न टैलेंट है या आपने इस पे बहुत काम किया है? नहीं मैम ये देखो आवाज़ चंद लोग होते हैं जो गाड़ गिफ्टेड होते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि हाँ मेरी आवाज़, पहले तो हमने गाया नहीं, हमें क्या पता आवाज़ कैसी थी, बट अब जब हमने गाना स्टार्ट किया तो मतलब मेरे को मेरे हर एक लाइव शो में मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि अपने आप से बड़ा जज भी कोई नहीं होता है। मतलब जितना आप अपने आप को खुद जज करते हो दूसरा नहीं कर पाता है, दूसरा चलो करेगा आपको क्या बताएगा, अप्रिशिएट ही करेगा, हाँ ठीक है। तो मतलब मैंने अपने आप को देखा कि मैंने फर्स्ट जब लाइव शो किया था वो कैसा था, और उसके बाद वो मेरे पास अभी भी सेव पड़ा है, तो मैं तब तब देखता हूँ तब मेरी कैसी वॉइस थी और अब कैसी है। तो मतलब मेरा ये शेड्यूल रहता है कि अभी तो आवाज़ मतलब कहते हैं, मैं तो बोलता हूँ इतनी अच्छी नहीं है, लोग कहते हैं अच्छी आवाज़ है, तो इसके पीछे कारण है कि ये हारमोनियम जो है बड़ा रियाज करना पड़ता है। मैं सुबह 4 बजे उठ के 2-3 घंटे रियाज करता हूँ, शाम को मैं रियाज करता हूँ, और बाकी बच्चे भी आते रहते हैं, तो बाकी मैं स्कूल में भी अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाता हूँ, तो मुझे इससे बड़ी हेल्प मिलती है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ जो है अच्छी। रियाज करते हैं जी आप तो। दोस्तों, बिशन जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, और इनके चैनल पे जाके, बिशन दास फोक म्यूज़िक पे जाके उसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके सॉन्ग को शेयर करें। और इनके लाइव शो करते हैं ये, जागरण करते हैं आपके आसपास कहीं भी, आपके घर पे ओकेजन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो इन्हें इन्वाइट करें। और बिशन जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं ये बोलूँगा हाँ मैं लाइव शो जागरण सत्संग हर चीज़ करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी करता हूँ, तो आपको अगर अपने घर में करवाना हो तो आप ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये हमारा शो अच्छा लगा, अगर आपको ये हमारे सॉन्ग अच्छे लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और आपने हमें इस वीडियो के माध्यम से किस किसने जाना, और पहले जो जानते थे आप कमेंट में ज़रूर बता दें,
आपको ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे और अपनी ब्लेसिंग ज़रूर हमें देना, ताकि हमें आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहे।